आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसको पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको कमीज़ कटिंग करना बताऊंगी, सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको सलवार कटिंग करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने ये 4.5 मीटर कपड़ा लिया है, तो 2 मीटर से मैं कमीज की बनाऊंगी। पहले हम कमीज बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसको फ्रंट से बिल्कुल बीच छोर से पकड़ करके फ्रेंड्स मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। कमीज की लंबाई मैंने 44 इंच रखी है। तीरा मैंने यहाँ पर 6.5 इंच रखा है। आर्म होल की लंबाई भी मैंने 6.5 इंच रखी है। चेस्ट की लंबाई मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। 8 इंच की मेरी चेस्ट हो गई, जिसका मैंने 1/4 भाग लिया है और 2 इंच मैं मार्जिन के लिए रखूंगी। ये मैंने दोनों मार्क कर लिए हैं फ्रेंड्स। इसके 6 इंच नीचे मैं कमर का निशान लगाऊंगी। मैंने पहले यह लाइन ड्रॉ की है। अब मैं हिप की लाइन ड्रॉ करूंगी, कमर के 8 इंच नीचे और चेस्ट से 14 इंच नीचे। 14 इंच के हमारे चौक हो जाएंगे। हिप साइज़ भी मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। 8 इंच की मेरी हिप साइज़ हो गई और 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर 6.5 इंच, तो 2 इंच मार्जिन के लिए 8.5 इंच। ये 8.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। कमीज की का घेरा मैं 0.5 इंच बढ़ा करके रखूंगी हिप साइज से। 10.5 इंच पर निशान लगा दिया है मैंने ये। अब हम इनको आपस में जॉइंट कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने इनको जॉइंट कर लिया है। पूरे कमीज को ये हमारा फिटिंग का निशान था। अब मैं हमारा मार्जिन के निशान पर जहाँ से हमें कटिंग करनी है वहाँ से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। फ्रेंड्स, आशा है आपको ये अच्छी तरह से दिखाई दे रही होगी। ये मैंने पूरी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हम शोल्डर को 0.5 इंच डाउन कर लेंगे। और ये आर्म होल को नीचे को हम जो फ्रंट पार्ट है हमारा उसको 0.5 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे। इससे हमारे गले की शेप बहुत अच्छी आएगी। ये मैंने कर्व कर लिया है इसको। फर्स्ट कर्व पे हम दोनों कमीज कटिंग करेंगे और अब सेकंड पे हम जहाँ पे मैंने सेकंड मार्क कर रही हूँ यहाँ पे हम फ्रंट भाग की यानी कि फ्रंट की ही गले की ही कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसको अभी डाउन करके नहीं कटिंग करूँगी, ये मैं कट कर रही हूँ। पहले हम इसको बराबर ही कट कर लेंगे। जब दोनों पार्ट को हम साथ में रखेंगे तब हम डाउन करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों की। ये फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। तो ये हो गई है मेरे हमारे फर्स्ट पार्ट की कटिंग, जो हमारा फ्रंट कमीज है। अब हम सेकंड जो हमारा पिछला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है फ्रेंड्स, देखें। अब हम इसको कमीज को जो पहले कटिंग किया था उसको हम अच्छी तरह से इसको ऊपर रखेंगे, बिल्कुल किनारे से किनारा मिलाकर। अब हम नीचे शोल्डर को डाउन करते हुए जहाँ पे मैंने मार्क किया था थोड़ा सा डाउन करते हुए अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से ध्यान लगा करके कटिंग करनी है। ये हो गई है हमारे दोनों कमीज की कटिंग। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट को उठा करके जो मैंने आर्म होल के निशान लगाया हुआ है उसकी कटिंग करेंगे आधा इंच की। इससे हमारे गले की शेप बहुत अच्छे तरह से आएगी और बाजू के साइज़ में भी अलग कपड़ा नहीं बचेगा, जो उठाव सा रहता है उसे नहीं बचना चाहिए। फ्रेंड्स अब हम देखो गले की कटिंग करेंगे आधा इंच छोड़ करके बाउंड्री। ये हमने गले की कटिंग कर दी है। अब हम पिछले पार्ट की कटिंग करेंगे गले की। यहाँ पे मैंने चौड़ाई इसकी 2.5 इंच रखी है, लंबाई में इसकी 7 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे डीप गला रखना है। और मैं यहाँ पर पाइपिंग और डोरी की सहायता से पीछे लटकन लगा लूँगी। ये मैंने करव का निशान दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा पैक नेक भी तैयार हो गया है। देखें अब हम इसको अलग रख देंगे। फ्रेंड्स अब मैं बाजू की कटिंग करूंगी। मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, अब मैं 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। बाजू की लंबाई मैंने 18 इंच रखी है फ्रेंड्स। हो गई। और बाजू के चौड़ाई जो मैंने है रखी है ऊपर आर्म होल के जॉइंट की, वो मैंने 8.5 इंच रखी है। यहाँ पे 3 इंच नीचे ठीक मैं यहाँ पे और मार्क करूँगी। 8.5 इंच रखी है मैंने इसकी लंबाई। फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे बाजू की जो जितना हमने खुला रखना है वहाँ से निशान लगाया है 6 इंच पर। 5 इंच मुझे खुला रखना है और 6 इंच पर मैं इसकी कटिंग करूँगी, जो हमारा मार्जिन के लिए होगा। 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। अब इनको आपस में मिला लेंगे हम। ये हो गई है हमारी बाजू तैयार। फ्रेंड्स अब हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करते हुए 3 इंच पर जो मैंने झुकाव दिया है, अब यहाँ से मैं इसको डाउन कर लूँगी और बिल्कुल अच्छी तरह से शेप दे करके इसकी कटिंग कर दूँगी। फ्रेंड्स ये हो गई है हमारी बाजू की कटिंग। मैं यहाँ पे कट लगा दूँगी सब जगह पर। ये नीचे से हमें मोड़ना पड़ेगा। अब हम जो हमारे आगे के पार्ट होगा ना बाजू का, उन दोनों की हम थोड़ी सी 1/2 इंच बढ़ा करके कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे 1/2 इंच मैंने मार्क कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये हमारी आगे की बाजू थी।